डॉलर तारीख में पहली बार डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 1.56 रुपए महंगा, डॉलर 195.74 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए बढ़कर 198 रुपए का हो गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब, लाहौर समेत पंजाब में कई घंटों बिजली बंद। कराची में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे तक हो गया। तकर में इम्तिहानी मराकज में भी लोड शेडिंग, तलबा और तलबाज सख्त गर्मी में पेपर हल करने पर मजबूर। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई। सदर पाकिस्तान असेंबली को तोड़ दें, पंजाब असेंबली भी तोड़ दें ताकि नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। शफकत महमूद ने कहा कि फैसले से जमीर फरोशी का रास्ता बंद हो गया। वफाकी हुकूमत फौरी इलेक्शन का ऐलान करे। हमाद असहर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत भी चंद दिन की मेहमान रह गई है। साहब हमारे क्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और दोनों हुकूमतें अमली तौर के ऊपर ख़त्म हो गई। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ असम्बली को तोड़ दें, सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। एक बैरूनी साजिश थी जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। आपके वोटों से, आपकी सपोर्ट से, हर लिहाज से हमारी जमात इमरान खान फिर कामयाब होंगे। हमारी वफाकी हुकूमत है जो तहरीके इंसाफ के 20 लोटों के सर पे खड़ी है, अब वो भी चंद दिन की मेहमान रह चुकी है। इस बात का अहद करें कि इंशाल्लाह हकीकी आजादी मार्च की कॉल पर आप ऐसे हर फर्द उसमें शरीक होगा। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें कि NN News Live।